तो ये जो है WWE का लेटेस्ट न्यूज़ कॉम्बो जिसके बारे में कि मैं आज आप बात करने वाला हूँ, और इसमें काफ़ी सारे नई नई WWE की न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूँ हरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले जो कि जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर है उसकी जो कि डेट होने वाली है उसके बारे में कुछ पता चला है। जैसे कि मतलब कंफर्मेशन जो कि अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना की वो होने वाली है उसके बारे में काफी सारी चीजें निकल कर आई हैं। जैसे कि हमें पता है कि कुछ ऐसा WWE को करना चाहिए जिस वजह से कि कुछ इस तरीके से हो, बट एक्चुअली WWE को जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अंडरटेकर से काफी अच्छी TRP मिल रही थी, इस वजह से कि WWE ने इस टाइम पर आकर अंडरटेकर को जो की है डिसाइड किया कि उसे रेसलमेनिया से पहले जो की है अंडरटेकर को नहीं दिखाया जाएगा। और इस चीज के चलते चलते WWE की जो कि पॉसिबल डेट हो सकती है वो ऑलमोस्ट कंफर्म भी है। कुछ एक्सपर्ट्स कंफर्म कर रहे हैं बट मैं कंफर्म नहीं कहूंगा बिकॉज उससे पहले हो गए तो लोग मुझे ही पकड़ेंगे। बट बात कर ले अभी के टाइम पर तो वो क्या है, तो एक्चुअली रो के एक या दो दिन बाद या फिर रेसलमेनिया से एक या दो दिन पहले, यानी कि जो कि आखिरी रेसलमेनिया से पहले रो होने वाली है सीजन की फाइनल रो के बाद और रेसलमेनिया से एक दिन पहले में हमें जो की है वो टाइटल या फिर मैं कहूँ इंटर प्रमोशनल मैच जो की है वो कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। वहीं पर स्पेकुलेशन वगैरह सब कुछ ऐड होगी, तब तक उनका जो की फ्यूड है वो पॉसिबली केन के साथ चलने वाला है जॉन सीना का अभी नेक्स्ट रो पर। ऐसा इस वजह से है क्योंकि WWE जो की है इसके लिए काफी ज्यादा एंटीसिपेशन बनाना चाहती है, और पहले अगर जॉन सीना वर्सेज अंडरटेकर हमें कन्फ्रंटेशन करते हुए दिखे, और इस टाइम पर मेरे हिसाब से WWE के पास कोई भी पॉसिबल प्लान नहीं है कि अगर वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो उन्हें किस तरीके से किया जाए। बिकॉज अगर जॉन सीना ओवर जो कि है इनके ऊपर अटैक करते तो भी बुरी बात है, अब अगर अंडरटेकर भी इस एज में आकर इतने बुरे तरीके से जॉन सीना को पीट जाए वो भी गलत बात रहेगी। इस वजह से जो कि WWE ने सिंपल सा प्लान किया, छोड़ो यार सारा कुछ क्या जरूरत है, कैंसिल किया, सिर्फ हाई बनाएगी WWE नेक्स्ट वीक, और मैं बता दूं जो कि मैच है वो कन्फर्म होने वाला है फाइनल सीजन की रो के बाद, और नेक्स्ट सीजन पर जो कि है शायद जो कि है ये सब चीज़ें का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा अगर अंडरटेकर रिटायर हो गए तो। वो अंडरटेकर की रिटायर होने की कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट मैंने वैसे ही आपसे बात करी। तो नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि डैनियल ब्रायन जो कि है वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं WWE में वापस आने के लिए, बात आई होगी बट मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला। तो मैं जो कि बात करने वाला हूँ जो कि उन्हें आज के सुबह की जो कि स्मैकडाउन लाइव हुई थी उन पर अटैक हुआ था, उस अटैक ने किसी भी तरह का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला। इस टाइम पर जो कि MRI रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं वो स्टिल जो कि है क्लियर है, बट मैं सही बात कहूँ तो जो कि डैनियल ब्रायन थे वो आज से एक डेढ़ साल पहले भी जो कि थे बिल्कुल क्लियर थे आने के लिए WWE में। ये WWE का दिमाग ही अब काम करना शुरू है, और वन ऑफ द बेस्ट रेसलर जो कि है वो WWE रिंग में अब उतारा है, और स्मैकडाउन लाइव मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तरक्की करेगी ऐसे रेसलर के साथ, और जो कि एक मैच कन्फर्म है ऑलमोस्ट जो कि रूमर्स के हिसाब से शेन मैकमैन डैनियल ब्रायन वर्सेस जो कि होने वाला है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, जो कि बीच में टेंशन ग्रो अप हो रही थी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के, बट वो टेंशन जो कि है वो लास्ट लॉन्गिंग नहीं थी, वो कुछ टाइम के बाद दब गई। बट मेरे हिसाब से जो कि है केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन मैच है वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है इससे कंपैरेटिवली। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा मैच ज्यादा बढ़िया रहेगा, डैनियल ब्रायन वर्सेस जो कि इन दोनों की टीम है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस जिसमें कि डैनियल ब्रायन के साथ शेन मैकमैन होने वाले हैं, या फिर केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। मेरे हिसाब से केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन मैच ज्यादा अच्छा रहता, बट WWE इस पर कुछ रीजन करना चाहती है। जैसे कि ऑलरेडी WWE ने दो तीन मैचेस कॉपी कर दिए, जैसे कि मैं बात करूं तो जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर और उसी के साथ साथ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, तो इसके चलते चलते WWE कुछ नए मैचेस बनाना चाहती है। और शायद नहीं कन्फर्मली जो कि स्टंप बैटिंग और उसके हिसाब से बात करूं फाइनली यार शेन मैकमैन जो कि अपनी वापसी के बाद पहली बार रेसलमेनिया के पर मैच जीतेंगे, चलो अच्छी बात है इस चीज से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर वाले जो कि केस इस वीक की हमें रो पर देखने को मिला। तो गाइस इस चीज के लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो अभी जो कि TRP थी उस शो की वो निकल कर आ चुकी है। TRP यानी व्यूअरशिप कितने लोगों ने देखा, तो जो कि रो का पहला हाफ था यानी कि जो कि सबसे पहला एक घंटे का शो था, मतलब जो एक घंटे वाला रन था WWE का, उसको देखा करीब करीब 3.4 मिलियन पीपल ने। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके बारे में, तो सेकंड आवर जो कि था उसे भी देखा 3.4 मिलियन पीपल ने, और ये जो कि था 3.4 से थोड़ा सा ऊपर जा चुका था बिकॉज जो कि जो पहले ड्रो में हुआ वो काफी ज्यादा अच्छा था। उसके बाद नेक्स्ट सीज में जो कि मेन इवेंट के टाइम पर जो कि रह गई थी सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन पर जो व्यूअरशिप थी, और इस बार मैं बात करूँ तो रेटिंग भी बहुत अच्छी रही थी, बट जो कि इस टाइम पर WWE को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हमने देखा कि जो कि रोमन रेंस को जो कि है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई उस चीज के बाद, उसके बाद अभी अपडेट निकल कर आई कुछ देर के पहले, जैसे कि रोमन रेंस ने सिक्योरिटी गार्ड को पंच किया या कुछ भी था, वो उन्हें पंच किया तो उनके जो के ऊपर काफी बुरी जो की है वो इंजरी हो चुकी है, जिसके चलते चलते कि WWE को काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, उस बंदे को फाइन भरने पड़ेंगे बिकॉज उसकी
सिक्योरिटी नहीं थी मार खाने की। बट एक्चुअली मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से WWE नेक्स्ट टाइम से कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली, और ये सब चीजें जो कि है WWE शायद बंद कर दे। शायद हमें अब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक भी बार कंफर्म करते हुए भी ना दिखे जल्द ही फ्यूचर में। तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करना चाहिए? और हाँ बिल्कुल, वो कन्फ्रंट तो करेंगे ही एक या दो रह पहले जो कि होने वाली है रेसलमेनिया से। तो इस पॉइंट पर आकर जो कि रेसलमेनिया का या कि रोड टू रेसलमेनिया वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। यही मैं 10 से 15 दिन पहले की बात करूं तो मैं सोच रहा था इस बार जो कि है रेसलमेनिया होने वाला है सबसे ज्यादा बकवास रेसलमेनिया होने वाला है, बिकॉज कुछ बढ़िया प्री हाइप नहीं है, कुछ नहीं है। बट इस टाइम पर ओवरऑल जितने भी मैचेस है वो सारे सेटअप हो चुके हैं एजे स्टाइल्स वर्सेस शिंस्के नाकामुरा को छोड़कर, जबकि वो सबसे बेकार मैच इस टाइम पर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, बट जो कि उसकी बुकिंग हो रही है वो बिल्कुल बेकार है, और हिसाब से मैं बात करूं तो उनकी रेटिंग जो कि फ्यूड को है वो तो बेकार मिलने वाली है। बट वो मैच काफी ज्यादा जबरदस्त होगा जिस वजह से कि वो काफी अच्छा रहेगा। तो बताओ यार इस बार का रेसलमेनिया कैसा जाने वाला है, इस बार के रेसलमेनिया पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये रेसलमेनिया पिछले यानी कि 2-3 रेसलमेनिया से बढ़िया था या नहीं था, यानी कि होने वाला है उसका रोटो रेसलमेनिया किस तरीके से रहा, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो देख लेते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।